नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग की परीक्षा है, तो उसके लिए दोस्तों एक तो मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। और दूसरा, उसके लिए एक साइकोलॉजी की सीरीज और स्टार्ट की जा रही है, जिसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में पूछने योग्य हैं, ठीक है। जिसमें आज अपना जो पहला टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, परीक्षा तक सारे के सारे टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है? शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेष अवस्था में, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है। दोस्तों, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार अध्ययन हो सकता है, तो किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल एक व्यक्ति का, ठीक है, केवल एक व्यक्ति का, ए नंबर ऑप्शन है ये, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है, तो वो सहायक है दोस्तों किसमें? शिक्षण दक्षताओं के विकास में, सी नंबर का ऑप्शन है ये, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण दक्षताओं के विकास में। चार नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता, तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में है वो क्या नहीं आता? तो औद्योगिक अध्ययन नहीं आता शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, तो किस में हुए हैं? तो ये हुए हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में, अनुशासन स्थापना में, शिक्षण विधियों में, तीनों में हुआ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, ठीक है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था, तो मनोविज्ञान को जो आरंभ में है वो दोस्तों आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयोगात्मक विधि, डी नंबर का ऑप्शन है ये, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिवृत्तियों का, रुचियों का, अभिसमताओं का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, उपचारात्मक विधि उपयोगी है, तो उपचारात्मक विधि है वो उपयोगी है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पिछड़े बालकों के सुधार में, ठीक है, पिछड़े बालकों के सुधार में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना का श्रेय है, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना का श्रेय है, तो दोस्तों ये श्रेय किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिगमंड फ्राइड को, ठीक है, ये श्रेय सिगमंड फ्राइड को है। नेक्स्ट, वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है? तो स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको अंतर्दर्शन विधि, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है ये शिक्षण विधियों के प्रयोग में, ठीक है, पाठ्यक्रम के सुधार में, शिक्षण विधियों की खोज में, तो दोस्तों इन सभी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया? जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यवहारवादी को, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट,
शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है ये समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, इन सभी में, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है तो विद्यार्थी की कमजोरी का ज्ञान प्राप्त करने में, विद्यार्थियों को समझने में, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने में, उपरोक्त सभी में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। नेक्स्ट है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, तो शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है तो देखो किंडरगार्टन पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, खेल पद्धति, ये सभी है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोभौतिकी विधि। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है मनोविश्लेषणवाद। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है वो मनोविज्ञान की शाखा है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है वो कौन मानते हैं, वो मानते हैं दोस्तों पेम्पोनोजी, ठीक है, पेम्पानोजी, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख कार्य है वो दोस्तों कौन सा है, तो वो है बालक की शिक्षा में रुचि जागृत करना, बालक को अभिप्रेरणा देना, बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करना, उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केली ने शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बतलाए हैं, तो केली ने कितने उद्देश्य बताए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, सही उत्तर हो जाएगा 9, कितने बताए हैं 9 उद्देश्य बताए हैं केली ने, ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी है, तो वो है विज्ञान और कला दोनों है, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है कथन है, तो दोस्तों ये कथन है ये किसका है, ये मैकडूगल का कथन है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है, तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित रूप धारण किया, शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित रूप धारण किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 1920 ईस्वी में धारण किया था, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन की विधि है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों बहिर्दर्शन, व्यक्ति अध्ययन, प्रयोगात्मक और ये सभी है दोस्तों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो वस्तुनिष्ठ विधि है वो कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है साक्षात्कार विधि, डी नंबर का ऑप्शन है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का साक्षात्कार विधि। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो सर्वप्रथम किसने किया था, तो दोस्तों टाइडमैन ने किया था, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जो जोड़ने वाली कड़ी है वो दोस्तों मानव व्यवहार है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं, तो समाजमिति विधि के जो प्रतिपादक हैं वो दोस्तों कौन है, तो वो हैं जे ए मुनरो, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अंतर्दर्शन के बिना बहिर्दर्शन असंभव है, यह कथन है, अंतर्दर्शन के बिना बहिर्दर्शन असंभव है यह कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सत्य, ठीक है, यह सत्य कथन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है,
मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, कथन है। तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्किनर का कथन है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से जान नहीं सकता, नहीं जान सकता, ठीक है। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जान सकता, तो क्या नहीं जान सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्मा के विषय में नहीं जान सकता। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। तो शिक्षक के लिए जो मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो दोस्तों कौन सी है? बालकों के चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान, ये सभी है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है, वो हुआ है दोस्तों अरस्तु से, ठीक है। किससे? अरस्तु से। तो बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 39 नंबर प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लंबात्मक विधि का। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षक की सफलता का रहस्य है। तो शिक्षक की जो सफलता का रहस्य है वो कौन सा है? तो मनोविज्ञान का ज्ञान है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, वो है दोस्तों इसमें आवश्यक। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मनिष्ठ विधि है, शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मनिष्ठ विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें गाथा वर्णन विधि, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है ये व्यक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि है, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की जो विधि है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाथा वर्णन विधि, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक, किस मनोविज्ञान के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका वॉटसन के अनुसार है दोस्तों। तो ये हो गया आज का अपना पहला टॉपिक, वो है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। कल अपना जो दूसरा टॉपिक आएगा उसका नाम है अधिगम, ठीक है। तो ये हो गए आज के अपने इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।